हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 321 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेक्चर 7 पार्ट 2 हार्वेस्टिंग एंड फील्ड हैंडलिंग। हार्वेस्टिंग जैसे मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने डिस्कस कर चुके हैं, हार्वेस्टिंग होता है तुड़ाई, ठीक है। और उसके अंदर अपने हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं, जो जैसे हैंड हार्वेस्टिंग है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है, इनके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, वो अपने कवर कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फील्ड हैंडलिंग क्या होती है, फील्ड हैंडलिंग को मैंने पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग भी बताया था कि इसको पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग भी बोल देते हैं, कि खेत के अंदर सार संभाल, उसके कुछ पॉइंट अपने जैसे कि फील्ड हैंडलिंग के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, फ्लो चार्ट है, फलों के लिए अलग से होता है, सब्जियों के लिए थोड़ा अलग होता है, वो भी अपने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो उसमें अपने एक स्टेप कवर किया था, पहला स्टेप कवर किया था, ठीक है, मतलब वो तो फ्लो चार्ट कवर कर ही लिया था, उसके साथ एक स्टेप भी कवर कर लिया था प्री कूलिंग का। प्री कूलिंग पिछले लेक्चर में आप देख लेना क्या होती है, ठीक है, जिसमें फील्ड हीट को रिमूव किया जाता है, और उसमें अपने उसके साथ में उसके जो मेथड्स हैं प्री कूलिंग के यूज़ किए जाते हैं, जैसे वैक्यूम कूलिंग है, रूम कूलिंग है, हाइड्रो कूलिंग है, वो अपने उस लेक्चर के अंदर कवर कर लिए थे। अपना जो सेकंड स्टेप है प्री कूलिंग के बाद, वो है क्यूरिंग, ठीक है। क्यूरिंग एक बार मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता दूं समझाने के लिए, क्यूरिंग होता है एक तरीके से सुखाना, ठीक है। जो ऊपर वाला छिलका होता है किसी भी रूट क्रॉप का, ज़्यादातर रूट क्रॉप का, ठीक है, जैसे बल्बस क्रॉप्स हैं, प्याज है, लहसुन है, या फिर ट्यूबर क्रॉप्स हैं जैसे कोलोकेशिया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो है, इनके ऊपर वाले छिलके को कड़ा करने के लिए, जिससे कि वो उसमें से पानी का नुकसान कम से कम हो और उसमें जो बाहर से अटैक है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो कम से कम हो, ठीक है। इसके लिए जो एक ऑपरेशन किया जाता है, इसको धूप में थोड़ी देर या फिर इसको छाया में सुखाया जाता है, कुछ दिनों के लिए रखा जाता है फील्ड के अंदर ही, तो वो प्रोसेस क्यूरिंग कहलाती है, ठीक है। तो होती क्या एक्चुअल में अपने पढ़ लेते हैं, दिस इज डन इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, इसे तुड़ाई के तुरंत बाद किया जाता है। इट स्ट्रेंथन द स्किन, ये जो स्किन होती है, छिलका होता है ऊपर वाला, उसको मजबूती प्रदान करती है। द प्रोसेस इज इंड्यूस्ड एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, विच इन्वॉल्व्स स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल टिश्यूज, फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द वर्म पेरिडर्म, विच एक्ट एज इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड वाटर लॉस। इसके प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या है कि ये ज़्यादातर ज़्यादा तापमान पे और ज़्यादा ह्यूमिडिटी के ऊपर ये इंड्यूस्ड होती है ऐसी प्रोसेस के अंदर, जिसके कारण जो एक्सटर्नल टिश्यू होते हैं, ऊपर वाले छिलके के टिश्यू होते हैं, उनका स्टरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, निर्जमीकरण हो जाता है। उसके बाद उसमें एक बाउंड पेरिडर्म का निर्माण होता है। बाउंड पेरिडर्म का मतलब होता है एक घाव को भरने वाला, पेरिडर्म कह लो, एक छिलका, एक ऊपर उसके लेयर का निर्माण होता है, जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है, रोकने का काम करता है जो इन्फेक्शन होता है और पानी के लॉस को, ठीक है, उसके ऊपर एक बाउंड पेरिडर्म का निर्माण होता है। जैसे प्याज के अंदर तुमने देखा होगा ऊपर एक छिलका, कड़ा छिलका होता है सूखा हुआ, ठीक है, उसके अंदर प्याज के दूसरी जो लेयर्स होती हैं वो पाई जाती हैं प्याज की, ठीक है, ऊपर वाला जो छिलका कड़ा हो जाता है। वैसे ही गार्लिक के अंदर भी ऊपर एक आपको पतला सा छिलका मिलेगा, पतली सी झिल्ली जो काफ़ी हार्ड होती है, वो झिल्ली क्यूरिंग के दौरान डेवलप होती है, ठीक है। जैसे ही अपने उसको खोते हैं वो कच्ची होती है उस टाइम वो किसी भी तरीके की इंजरी को सहन करने लायक नहीं होती, उसमें से वाटर लॉस भी होता है अगर वैसे ही उसको भंडारित कर दिया जाए तो। उसके उस लेयर को डेवलप करने के लिए उसको धूप में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, एक हीट के अंदर रखा जाता है। पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, कोलोकेशिया, ऑनियन, गार्लिक आर क्योर्ड बिफोर स्टोरेज और मार्केटिंग। प्याज सॉरी आलू है, शकरकंद है, इसके अलावा अरबी है, प्याज और गार्लिक, लहसुन, ये सारे के सारे भंडारण से और मार्केटिंग से पहले क्योर किए जाते हैं। प्याज को कुछ इस प्रकार से फील्ड के अंदर ही क्योर किया जाता है, ठीक है, ऊपर वाला छिलका कड़ा करने के लिए। दिस कंडीशन अकर क्विकली इन स्वीट पोटैटोज एट हाई टेम्परेचर ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिवली ह्यूमिडिटी ऑफ 95%। जो ये प्रोसेस है क्यूरिंग की प्रोसेस है, शकरकंद के अंदर
बहुत जल्दी होती है अगर टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो और 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, अपेक्षित आर्द्रता मतलब उस वातावरण में आर्द्रता नमी 95% हो, 33 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, तो ये प्रोसेस जल्दी होती है। पोटैटोज ट्यूबर्स आर कीप्ड एट 18 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 डेज एंड देन एट 7 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 टू 12 डेज एट 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं, आलू के ट्यूबर्स होते हैं, उनको 18 डिग्री सेल्सियस पर 2 दिनों के लिए रखते हैं पहले, तो फिर उसके बाद उसे 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 से 12 दिनों के लिए 90% अपेक्षित आर्द्रता पर रखा जाता है, ठीक है, स्टोर किया जाता है। इसमें क्यूरिंग आल्सो रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट स्पेशली इन ऑनियन एंड गार्लिक। जो क्यूरिंग होती है वो मॉइस्चर कंटेंट नमी को भी कम करती है, कुछ सब्जियों में नमी को भी कम करती है, जैसे कि प्याज है और लहसुन है, इसके अंदर नमी को भी कम करती है। ड्राइंग द सुपरफिशियल लीव्स ऑफ ऑनियन बल्ब्स कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन स्टोरेज। जो प्याज की ड्राइंग करते हैं, प्याज को ऊपर वाले जो सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाला जो छिलका होता है, लीव्स होती हैं, छिलका होता है कहने का मतलब, ठीक है, उसको अगर ड्राइंग करते हैं, सुखाते हैं, तो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो होता है, बीमारी का अटैक होता है। कई बार प्याज आपने देखा हुआ होगा भंडारण के अंदर गलना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर प्याज के अंदर एक ब्लैक से कलर की फंगस ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। अगर उनका ढंग से क्यूरिंग की जाए तो ये समस्या नहीं आती स्टोरेज के अंदर, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपना तीसरा, डीग्रीनिंग। डीग्रीनिंग क्या होती है, आपने सिट्रस के अंदर पढ़ा था ग्रीनिंग, ठीक है, ग्रीनिंग तो उसके एक अंदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह एक बीमारी थी जिसमें क्या होता है कि पत्तियों के ग्रीन कलर के धब्बे बन जाते हैं। अब है डी ग्रीनिंग, वैसे सिट्रस के अंदर भी डी ग्रीनिंग आता है। डी ग्रीनिंग से मतलब है एक तरीके से उनका जो फल और सब्जियों का कई बार कलर नहीं आ पाता, मतलब वो ग्रीन कलर के ही रह जाते हैं, जिसके कारण वो कम अट्रैक्टिव होते हैं कस्टमर के लिए, जो कंज्यूमर है उसके लिए कम अट्रैक्टिव रहते हैं। तो उनको एक यूनिफॉर्म जो एक स्पेसिफाइड कलर है किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट का, वेजिटेबल का, वो आ जाए। जैसे नारंगी है, वो नारंगी रंग की होगी तो ज़्यादा पसंद की जाएगी, अगर उसके ऊपर हल्का सा या ग्रीन सा कलर होगा तो वो कम पसंद लोग करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये चीज़ अभी इतनी ज़्यादा मीठी नहीं हुई होगी, खट्टी होगी, ठीक है। तो एक एक जैसा कलर पैदा करने के लिए, जहाँ ग्रीन कलर को हटाना डी ग्रीनिंग कहलाता है। अब ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखना, ठीक है। तो वो अब जब हट जाता है, एक मास्क की तरह काम करता है, नीचे अपने आप ही कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो डेवलप्ड हो चुके होते हैं, जैसे जैसे फल मैच्योर होता है उसके साथ वो डेवलप होते रहते हैं, पर एक मास्क की तरह ऊपर क्लोरोफिल उसको कवर करके रखता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था, जो आपका राइपनिंग वाला प्रोसेस था, उस राइपनिंग वाला लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो उसको वो कवर करके रखते हैं, और जैसे ही ये क्लोरोफिल हट जाता है, वो कलर अपना अपने आप ही ऑरेंज कलर का, या फिर जैसा भी जिस फल सब्जी का कलर है वो शो होने लग जाता है। तो अपने होता क्या, चलो इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ टिपिकली द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इथाइलिन और अदर सिमिलर मेटाबॉलिक इंड्यूसर्स टू ब्रेक डाउन द ग्रीन पिगमेंट इन फ्रूट्स टू गिव द फ्रूट ए डिस्टिंक्टिव कलर प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर। जो ये प्रोसेस है डी ग्रीनिंग की, टिपिकली इथाइलिन और ऐसे ही कुछ मेटाबॉलिक कंपाउंड्स हैं उनको यूज करके की जाती है। इथाइलिन एक पकाने वाली गैस है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है कि उसको प्रोसेस को, जो पकाने वाली प्रोसेस है उसको बढ़ाया जाता है, उसको तेज किया जाता है कि जिससे उसका कलर आ जाए, ठीक है, और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो टूट जाए, जिसके कारण एक अच्छा कलर आ जाए जिससे कंज्यूमर उसको पसंद करे। इट इज़ यूज्ड इन बनाना, मैंगो, सिट्रस एंड टोमेटो। जो ये प्रोसेस है डिग्रीनिंग की, केले के अंदर, आम के अंदर, और जो सिट्रस नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके अंदर, और टमाटर के अंदर जनरली ये प्रोसेस फॉलो की जाती है, यूज की जाती है। डिग्रीनिंग इज कैरिड आउट इन स्पेशल ट्रीटमेंट रूम विद कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी यूजिंग ए लो कंसनट्रेशन ऑफ इथाइलिन 20 ppm टू कीप CO2 लेवल बिलो 1% लो कलर के लिए। तो इसमें डी ग्रीनिंग करने के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट रूम होता है, चैम्बर बना हुआ रहता है, उसके अंदर तापमान को कंट्रोल किया जाता है और ह्यूमिडिटी जो होती है, नमी को भी कंट्रोल किया जाता है। उसमें इथाइलिन की कंसंट्रेशन को, लो कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन को रखा जाता है, मतलब जो इथाइलिन है उसकी कंसंट्रेशन को कम रखते हैं 20 ppm से, जिससे कि जो
कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो भी कम रहे, बिलो रहे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बिलो रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी तो फल जल्दी पकेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो श्वसन ज़्यादा होगा, कहने का मतलब रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो फल जल्दी पक जाएंगे और उनका कलर भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। इथाइलिन मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम ए गैस सिलेंडर, और जो इथाइलिन है इसको गैस फॉर्म के अंदर सिलेंडर से उस रूम के अंदर प्रवाहित किया जाता है। दीज रूम्स आर वेल वेंटिलेटेड टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बिलो 1% विच हिंडर हाई कलर। जो इस रूम के अंदर अच्छे हवादार बनाए जाते हैं ये कमरे, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम रखा जा सके, ठीक है। हवादार होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठी ना होती रहे, जैसे ही श्वसन होगा, क्योंकि जितने भी फल और सब्जियां होती हैं वो लाइव कॉमोडिटीज़ होती हैं, यानी कि वो जिंदा होते हैं, जब भी वो तोड़े जाते हैं उसके बाद भी कुछ टाइम तक जिंदा रहते हैं, तो वो श्वसन करते हैं, तो उस श्वसन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, बनती है, उसको बाहर निकालने के लिए अच्छे वेंटिलेटेड होने चाहिए कमरे, ठीक है। जो भी आप रूम यूज़ कर रहे हो जिसमें ट्रीटमेंट कर रहे हो, और जो कि हाई कलर, ज़्यादा कलर आने को हिडन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होता है लेवल तो ये उसके कलर को रोकती है, ज़्यादा आने नहीं देती। इथाइलिन एक्सिलरेट द डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफिल विदाउट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स। इथाइलिन जो है वो एक एक्सिलरेट्स का काम करती है, मतलब इथाइलिन उस चीज प्रोसेस को बढ़ा देती है, तेज़ कर देती है जो क्लोरोफिल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होती है, मतलब क्लोरोफिल का टूटने का काम होता है ना, अपघटन होता है, उस प्रोसेस को इथाइलिन गैस जो डालते हैं अपने उसके अंदर रूम के अंदर गैस सिलेंडर से, वो उस प्रोसेस को तेज़ कर देती है, जिसके कारण कार्बन जो दूसरे पिगमेंट्स हैं जैसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं उनका सिंथेसाइज जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो दिखाई देने लग जाते हैं, कहने का मतलब। द सुटेबल डीग्रेनिंग टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, जो डीग्रेनिंग का सुटेबल टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। हायर टेम्परेचर डिले डीग्रेनिंग, ज़्यादा तापमान रखेंगे 27 डिग्री से तो डिले हो जाएगी आपकी डीग्रेनिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, डिले से मतलब है लेट हो जाएगी, ठीक है, स्लो हो जाएगी ये प्रोसेस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 85 to 90%, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर तो 27 डिग्री रखती हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 90% तक रखी जाती है, 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता उस रूम के अंदर। हाई ह्यूमिडिटी लेवल कॉज कंडेंसेशन ड्यूरिंग डीग्रीनिंग एंड स्लो डीग्रीनिंग एंड इंक्रीज डीके। अगर इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, 90 से 95 तक रहती है, तो क्या होता है कि आपका जो उसके अंदर कंडेंसेशन जो है, एक तरीके की सघनता, जहाँ कह लो एक तरीके की गाढ़ापन बढ़ जाता है डीग्रीनिंग के अंदर, ठीक है, जिसके कारण आपकी डीग्रीनिंग की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी और इसके साथ ही जो फल और सब्जियां हैं उनमें डीके सड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, वो गलना स्टार्ट हो जाएंगी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं फल और सब्जियाँ, ठीक है। इसके अलावा लो ह्यूमिडिटी हाउएवर प्रिवेंट डीके, एक्सेसिव श्रिंकेज एंड क्रैक ऑफ द रिन। इसके साथ ही अगर ह्यूमिडिटी कम रहती है तो ये डीके के तो प्रिवेंट करती है, मतलब ये सड़ान को तो रोकती है, सड़ान तो नहीं होगी, सड़ेंगे तो नहीं फल, पर एक्सेसिव श्रिंकेज होगा, मतलब 85 से अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम रहती है तो इससे क्या होगा, एक तो डीके तो कम होगा, सड़ना तो कम हो जाएगा, पर आपका जो फल है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ में उसकी जो रिंड है, ऊपर वाला छिलका है, वो क्रैक भी हो सकता है, वो उसमें दरारें आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपना वॉशिंग एंड ड्राइंग। वॉशिंग समझते होगे सारे के सारे और ड्राइंग भी समझते होगे, सिंपल स्टेप है। वॉशिंग से मतलब अपने फल और सब्जियों को धोते भी हैं और उनको सुखाना भी पड़ता है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो धोने के बाद, जैसे ही आपने उसको धो तो लिया, उसके बाद उसमें मॉइस्चर पड़ा रहेगा तो वो आगे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन का कारण बनेगा, ठीक है, उस पर कोई बैक्टीरिया या फंगस ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी, वो गलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मॉइस्चर को रिमूव करना भी ज़रूरी है, जो भी एक्सेस मॉइस्चर है। तो मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल आर वॉश पोस्ट हार्वेस्ट टू इम्प्रूव देयर अपीरेंस, प्रिवेंट विल्टिंग एंड रिड्यूस प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर जो फल और सब्जियाँ हैं उनको तोड़ाई के बाद,
ठीक है, धोया जाता है, वाश किया जाता है, जिससे कि उनकी जो अपीयरेंस है वो बढ़ जाए, दिखने में वो सुंदर लगे। इसके अलावा प्रिवेंट विल्टिंग, उनकी जो मुरझाने की मुरझा रहे होते हैं मतलब नमी के कारण, क्योंकि वो तोड़ लिए उसके बाद उनमें नमी का लॉस होने लग जाता है, तो वो विल्टिंग प्रिवेंट हो जाए, उस विल्टिंग को मतलब ये उसमें ना हो, वो मुरझाए ना। इसके अलावा जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो भी कम हो। ठीक है, मतलब आपने उसको धो दिया, ऊपर कोई स्पोर्स थे किसी बैक्टीरिया के, वायरस के, वो धुल जाते हैं, उतर जाते हैं, ठीक है, धोने से। देयरफॉर फंजीसाइड्स और बैक्टीरियासाइड्स शुड बी यूज्ड इन वॉशिंग विद वाटर। इसीलिए कुछ फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड भी उस जो धोने वाला पानी होता है उसमें डाले जाते हैं। जैसे क्लोरीन से, पानी से फलों और सब्जियों को धोया जाता है, मतलब क्लोरीन एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, तो उससे वाश करते हैं। तो मतलब इसमें और भी कुछ फंजीसाइड्स, कई बार बाबा स्टीन कैप्टान जैसे फंजीसाइड भी डाल देती हैं, जिसके कारण वो पानी से ऊपर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ख़त्म हो जाएं। वाशिंग डिलेज द राइपनिंग ऑफ बनानास, देयर बाय इम्प्रूविंग देयर शेल्फ लाइफ। वाशिंग होती है जो धुलाई करते हैं, इससे जो केले की राइपनिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, केला पकना कम कर देता है, जल्दी नहीं पकता, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, उसको लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस वाटर मस्ट बी रिमूव्ड आफ्टर वॉशिंग, अदरवाइज इट विल इंक्रेज इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर जो ज़्यादा पानी है धोने के बाद, जो पानी ज़्यादा है एक्स्ट्रा उन फलों सब्जियों के ऊपर, उनको रिमूव कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, पोंछ देना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है, सुखा लेना चाहिए, जिस नहीं तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स आर ऑफ्टन वॉश्ड टू रिमूव क्लॉग्ड सोयल। रूट जो होती हैं, जड़ वाली सब जो भी आपकी ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं, जैसे आलू है, कोलोकेशिया है, तो इनको ऊपर उनके जो मिट्टी लगी हुई होती है उसको निकालने के लिए, चिपकी हुई मिट्टी को हटाने के लिए भी इनको वॉश किया जाता है। शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। अब शॉर्टिंग क्या होती है? शॉर्टिंग होती है छांटना, ठीक है, जैसे कोई डिजीज्ड, कोई डैमेज्ड प्रोडक्ट है उसको अलग करना, उसको हटाना, शॉर्टिंग कहलाती है, याद रखना। शॉर्टिंग जो भी डिजीज्ड होता है या फिर कोई डैमेज्ड प्रोडक्ट है, जो कोई इंसेक्ट कंटामिनेटेड है, उन चीज़ों को अलग करना, उन फलों को अलग करना शॉर्टिंग कहलाता है। ग्रेडिंग को हिंदी में कहते हैं श्रेणीकरण। श्रेणीकरण मतलब उसके आकार के हिसाब से, उनके रंग के हिसाब से, उनका जो शेप है उसके हिसाब से फलों और सब्जियों को अलग अलग करना, ये आपकी ग्रेडिंग कहलाती है। ठीक है, इमेच्योर डिजीज्ड एंड बैडली डैमेज्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सॉर्टेड। कच्चे या फिर बीमारियों से ग्रसित या फिर बुरी तरीके से जो डैमेज हो चुके हैं, जिन पे घाव बने हुए हैं, ऐसे फलों को और सब्जियों को अलग करना सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, सॉर्ट किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। मोस्ट कंट्रीज हैव देयर ओवन स्टैंडर्ड्स फॉर डोमेस्टिक ट्रेड एंड आल्सो हैव इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स। ज़्यादातर देशों के अंदर उनके अपने मानक होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कि भाई इस ग्रेड के फल और सब्जियां अपने इस साइज़ के होने चाहिए इस देश के लिए, मेरे देश के लिए, या मेरे देश में ये इतने इतने साइज़ के होने चाहिए फल, उनको अलग कर लिया जाता है। और ये इंटरनेशनल भी बने हुए हैं, जहाँ पे अपने इनको विदेशों में बेचना होता है तो उनके हिसाब से भी कुछ ग्रेड के पॉइंट तय किए हुए होते हैं, कि इनका इतना डायमीटर होना चाहिए, इतना इसका रंग आया हुआ होना चाहिए, मतलब उनके स्टैंडर्ड पहले से तय किए हुए होते हैं। एक इंटरनेशनल भी तय होते हैं और अपने एक लोकल कंडीशन के अंदर भी उनके तय किए हुए होते हैं, जब अपने उनकी ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेड्स आर बेस्ड ऑन साइज, वेट, कलर एंड शेप। जो ग्रेडिंग की जाती है वो ज़्यादातर आकार के हिसाब से, वज़न के हिसाब से, या उसका जो रंग है या फिर उसका जो आकार है उसके हिसाब से ग्रेड किए जाते हैं। ग्रेडिंग की मशीनें भी होती हैं। वैसे ग्रेडिंग इज़ डन मैनुअली और मैकेनिकली। ग्रेडिंग जो की जाती है वो हाथ से, यानी कि मैनुअली लेबर से भी करवाई जाती है, और बड़ी बड़ी मशीनें भी लगी हुई रहती हैं। जहाँ पे वैक्सिंग प्लांट होते हैं वहाँ पे ग्रेडिंग मैकेनिकली होती हैं, मशीनें लगी हुई रहती हैं ग्रेडिंग की भी आगे जाके, जैसे इधर पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने हिसाब से, साइज़ के हिसाब से फलों को अलग अलग ग्रुप में डालती जाती है, ग्रुप अलग अलग करती जाती है उनको। ठीक है, ऐसी मशीनें बहुत से जो प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं वहाँ पे लगी हुई रहती हैं, वो अपने आप ही ग्रेडिंग करती हैं मैकेनिकली। ठीक है,
फिर नेक्स्ट स्टेप अपना डिसइंफेक्टेशन। ठीक है, डिसइंफेक्टेशन क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कि आम देश में जाता है बिकने के लिए, जैसे अल्फांजो है, केसर है, कुछ किस्में अपनी विदेशों में जाती हैं बिकने के लिए, तो वहाँ से पिछले कुछ सालों में वो वापिस आ गए थे। वहाँ पे क्या था कि रास्ते में क्वारंटाइन लॉ बने हुए रहते हैं, जब अपने किसी चीज़ को बेचते हैं ना यहाँ से, तो वो क्वारंटाइन लॉ के थ्रू होके बिकता है वहाँ पे। तो क्वारंटाइन लॉ होते हैं, उनके अंदर आप कोई भी ऐसी कमोडिटी सेल नहीं कर सकते जिसके अंदर कोई कंटामिनेशन हो, यानी कि उसके अंदर कोई भले इंसेक्ट हो, ठीक है, हो सकता है कि उसके फल के अंदर लार्वा हो, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई बीमारी लगी हुई हो, तो आप उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको डिसइंफेक्टेशन करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है, ठीक है। ये ज़्यादातर कम तापमान पे के साथ भी की जाती है, और वेपर हीट ट्रीटमेंट से भी करते हैं, कुछ फ्यूमिगेंट का यूज़ करके भी कई बार ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो अब होती क्या आपने देख लेते हैं, पपाया, मैंगो, कैंटालूप एंड अदर फ्रूट्स आर ससेप्टिबल टू फ्रूट फ्लाई अटैक। पपाया है, जैसे पपीता है, आम है, और कैंटालूप जिसको आप मस्क मेलन कह देते हो, उसी का एक टाइप है, ठीक है, यानी कि खरबूजे का, ठीक है, और बहुत से फ्रूट हैं जो फ्रूट फ्लाई के अटैक से ससेप्टिबल है, उनमें फ्रूट फ्लाई का अटैक रहता है। इंसेक्ट इंफेस्टेशन इज कैरिड आउट आइदर बाय वेपर हीट ट्रीटमेंट एट 43 डिग्री सेल्सियस विद एयर सेचुरेटेड विद वाटर वेपर फॉर 6 to 8 hours। जो इन्फेस्टेशन किया जाता है वो या तो वेपर हीट ट्रीटमेंट के अंदर, मतलब एक गर्म वाष्प के अंदर फलों और सब्जियों को रखा जाता है, लगभग जो गर्म वाष्प का तापमान होता है वो 43 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसके अंदर 6 से 8 घंटे तक फलों और सब्जियों को रखा जाता है, जिससे उसके अंदर जो भी लार्वा होता है, फ्रूट फ्लाई का होता है, स्टोन बीबल का होता है, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं इतने तापमान के अंदर, उस सैचुरेटेड हवा के अंदर, मतलब उसमें नमी होनी चाहिए हवा के अंदर, ऐसे नहीं कि सूखी हुई हवा से आप उसको करोगे तो उससे क्या होगा कि फल और सब्जियों के ऊपर से जलने का डर रहेगा, ऊपर से झुलसने का डर, सन बर्निंग जैसी समस्या आ जाएगी, ऊपर जल जाएंगे ऊपर से। तो नमी होनी चाहिए वातावरण के अंदर, अच्छी सैचुरेटेड होनी चाहिए, तो ऐसी वाष्प के अंदर फलों का स्टरलाइजेशन करते हैं, एक तरीके से इन्फेस्टेशन करते हैं, ठीक है, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर, या फिर बाय इथाइलिन डाइब्रोमाइड फ्यूमिगेशन विद 18 to 22 ग्राम EDB पर मीटर पर क्यूबिक मीटर फॉर 2 to 4 hours। इसके अलावा कुछ फ्यूमिगेंट्स भी हैं जो फ्यूम से गैस निकालते हैं, ऐसे कुछ केमिकल हैं, जैसे इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, इसका 18 से 22 ग्राम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से यूज किया जाता है, मतलब एक चैम्बर के जो पूरा वॉल्यूम होता है उसके एक क्यूबिक के लिए 18 से 22 ग्राम इसके पाउडर की ज़रूरत होती है, जहाँ ये कह लो कि लिक्विड की ज़रूरत होती है, उसका उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जगह पे आपके करना है तो उसमें उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, ये कुछ रेजिड्यूज भी कई बार छोड़ता है, उसकी भी एक लिमिट होती है कि फल और सब्जी के ऊपर इससे ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके रेजिड्यूज नहीं बचने चाहिए, ठीक है। इथाइल डाइब्रोमाइड एक फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे ही जैसे एक आप फॉर्मेल्डिहाइड को मिट्टी का स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हो, ठीक है, सेम प्रोसेस इथाइलिन डाइब्रोमाइड भी आप यूज कर सकते हो, मिट्टी के अंदर भी कर सकते हो स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो सेम फ्यूम्स निकालता है, गैस ही फॉर्म में होता है, ये गैस बनती है जिसके कारण जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई इंसेक्ट पेस्ट कोई भी है वो सारे के सारे उस गैस के कारण ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा बाय कोल्ड ट्रीटमेंट तीसरा मेथड होता है, कि एक तो वेपर हीट ट्रीटमेंट हो गया आपका, एक इथाइलिन डाइब्रोमाइड हो गया, तीसरा हो गया कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब एक्सपोजिंग द फ्रूट टू नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोल्ड ट्रीटमेंट से भी किया जाता है कि भाई फलों और सब्जियों को एक जमने वाले तापमान के पास में कुछ समय तक रखा जाता है, उस तापमान के अंदर कुछ समय तक रखा जाता है, जिससे कि अंदर वाले जो भी आपका इंसेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, अंदर ही ख़त्म हो जाता है वो लार्वा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट मतलब
कई बार क्या करते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट फंजिस बीमारियों को रोकने के लिए, जर्मिनेशन को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट यूज़ ऑफ बवस्टीन 0.1% एंड टॉक्सिन 0.1% कंट्रोल्ड स्टोरेज डिजीज इन मैंगो। पोस्ट हार्वेस्ट यूज़ मतलब तुड़ाई के बाद अगर बवस्टीन का और टॉक्सिन का अपने मैंगो के अंदर यूज़ करते हैं, उनके अंदर स्क्राब कर देते हैं फलों और सब्जियों, उन फलों के ऊपर, मैंगो के फलों के ऊपर, तो जो उसके अंदर स्टोरेज डिजीज आती है, भंडारण के दौरान बीमारियां लगती हैं आम के अंदर, वो कम लगती हैं। इन नागपुर मंडेरियन जो संतरा जिसको बोलते हो, उसके अंदर भी होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट विद ईमा जलील 0.1%, बवस्टीन 0.1% एंड बेनालेट 0.1% आर मोस्ट इफेक्टिव। नागपुर मंडेरियन में भी आप गर्म पानी के साथ ईमा जलील, बावस्टीन और बेनालेट का अगर आप उसके ऊपर यूज़ करते हो, ट्रीट करते हो उन नागपुर मंडेरियन को, ठीक है, तो वो भी बीमारियों से काफ़ी हद तक बच जाता है। इसके अलावा टू ऑब्टेन ए कंप्लीट इनिबिशन ऑफ पोटैटो जर्मिनेशन, कूल चैम्बर एवोपरेटिव कूल्ड फॉर 4 months एंड 5 months बिफोर कंप्लीशन ऑफ द डोरमेंट पीरियड, इट इज एन एक्वस इमल्शन ऑफ CIPC, यानी कि आइसोप्रोपाइल N3 क्लोरोफिनाइल कार्बोनेट एट द रेट 50 mg एंड 100 mg पर kg ट्यूबर्स रिसेप्टली इज स्प्रे। एक ये कह लो कि आलू के अंदर एक जर्मिनेशन की समस्या रहती है, ये नहीं कि पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए बीमारियों के लिए रोकने के लिए ही किए जाते हैं, उनमें जो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाते हैं जैसे प्याज के अंदर या फिर आलू के अंदर, तो उसको रोकने के लिए भी पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जैसे मैलिक हाइड्राजाइड का आपने कई बार सुना होगा MH, ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, पर प्याज के अंदर आलू के अंदर CIPC का बहुत ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग कि ये स्प्राउटिंग को रोकता है, ठीक है। तो इसके लिए करते क्या है, जो कूल चैम्बर होता है एवोपरेटिव कूल्ड, एवोपरेटिव मतलब वाष्प से जो ठंडा किया हुआ ऐसा एक चैम्बर होता है, उसके अंदर फलों और सब्जियों को 4 महीने बाद और 5 महीने बाद जो उनका डोरमेंट कंडीशन होती है, 4 महीने में उसके अंदर 50 mg CIPC का छिड़काव करते हैं, 50 mg 4th महीने में उस भंडारित, एक मान लो कि एक भंडार में रखे हुए हैं, उसके अंदर 4th महीने अपने एक बार 50 mg CIPC का छिड़काव कर देंगे, फिर उसके बाद 5वें महीने में फिर से 100 mg पर kg के हिसाब से आप उसके अंदर CIPC का छिड़काव करोगे, तो उसका कंप्लीट तरीके से जर्मिनेशन नहीं होगा, आलू काफ़ी टाइम तक क्या कि वो स्टोर में जर्मिनेट नहीं होंगे, कहने का मतलब, ठीक है, जब तक भी वो पड़े रहेंगे जर्मिनेट नहीं होंगे। 2 बार उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, 4th महीने 50 mg का और 5वें महीने 100 mg का। वैक्सीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव ए नेचुरल वैक्सी लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस दैट इज पार्शली रिमूव्ड बाय वैक्सीन। जो सब्जियां होती हैं और फल होते हैं इनके ऊपर एक नेचुरल वैक्स की लेयर पाई जाती है, ठीक है, और उसको वैक्सीन के दौरान ये कह दो कि पार्शली रिमूव कर दिया जाता है, पूरे तरीके से तो वो रिमूव नहीं होती पर हाँ कुछ हद तक उसको हटा दिया जाता है। पर एक मैं पहले सिंपल भाषा में बता दूँ वैक्सीन क्या होती है, एक वैक्स की लेयर चढ़ाना, मोमीकरण कह देते हैं हिंदी में, ठीक है, मोम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जैसे पैराफिन वैक्स है या ऐसी बहुत सी वैक्स आती हैं उनकी एक फलों और सब्जियों के ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, वो एक तरीके से बैरियर का काम करती है, ना तो बाहर वाली चीज़ अंदर जाती है ना अंदर वाली चीज़ से बाहर निकलती है, कहने का मतलब बाहर से कोई कंटामिनेशन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन करना चाहते हैं तो वो उससे भी बचाएगी, ज़्यादा तापमान बाहर है तो फल और सब्जी को उससे भी उसकी रक्षा करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो अंदर से गैसों का विनिमय होता है, मतलब उसमें श्वसन दर होती है, उसको भी वो स्लो कर देती है, रेस्पिरेशन को भी, उसके कारण रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है, जिसके कारण फल और सब्जी लंबे टाइम तक एज सच बने रहते हैं, जैसे वो फ्रेश थे सेम वैसे ही बने रहते हैं। आपने सेब देखा होगा मार्केट के अंदर, ज़्यादातर उसमें ज़्यादातर देखने को मिलती है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली फ्रूट है, तो इसलिए सेब के अंदर आपने कई सेब देखे हुए होंगे, चमकीले कम होते हैं, दिखने में बिल्कुल सिंपल से दिखाई देंगे,
और कुछ फल जो आपको एक डिब्बे के अंदर पैकिंग के अंदर मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा चमकीले दिखाई देंगे, उनके ऊपर वैक्स की हुई होती है, याद रखना। उसको आप छील के देखना, छीलने से मतलब उसको खुरच के देखना, ऊपर से आपको एक वाइट कलर का पाउडर सा उतरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। वो चमक भी उसके कारण ही आती है, वैक्स के कारण ही आती है। वैक्स अपीयरेंस को भी बढ़ा देती है उस फल और सब्जी की, ठीक है। तो अपने आप आगे स्टार्ट करते हैं। एन एडिशनल लेयर ऑफ वैक्स इज आर्टिफिशियली अप्लाइड विद सफिशियंट थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी टू प्रोवाइड द नेसेसरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डीके ऑर्गेनिजम्स टू द प्रिवेंट एनरोबिक कंडीशन विद इन द फ्रूट। इसके बाद मतलब उसकी पार्शली उसकी अपने लेयर को हटा दिया, उसके बाद एक एडिशनल लेयर उसके ऊपर कवर कर दी जाती है, चढ़ा दी जाती है मोम की, एक अच्छी जहाँ सफिशियंट थिकनेस की और एक अच्छी कंसिस्टेंसी की, ठीक है, जो कि डीके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके उनको प्रिवेंट करती है, उनको रोकती है, एक एनएरोबिक कंडीशन पैदा कर देती है फल के अंदर, ठीक है। फल के अंदर एक एनएरोबिक मतलब वायु रहित कंडीशन पैदा कर देती है, उसके अंदर फल के अंदर कोई गैस नहीं होगी तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वैक्सिंग इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इफ स्मॉल ब्रूजेज एंड स्क्रैचेज आर प्रजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट। अगर फल और सब्जी के ऊपर छोटे छोटे घाव हैं या स्क्रैच हैं तो वैक्सिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दीज कैन बी सील्ड विद वैक्स, ऐसे फल जो सब्जियाँ हैं उनको वैक्स से सील किया जाता है। वैक्सिंग आल्सो एनहांस द लश्र ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो वैक्सिंग होती है वो फल और सब्जी की जो लश्र होती है मतलब उसकी चमक होती है उसको भी बढ़ाती है। देयरफॉर द फॉर्म इज इम्प्रूव टू मेक देम मोर एक्सेप्टेबल। ये फॉर्म होती है फल और सब्जी की वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है, ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है, ज़्यादा पसंद की जाती है। इफ रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल, अगर रेफ्रिजरेटेड मतलब ठंडे स्टोरेज वाली या कोल्ड स्टोरेज वाली फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है किसी भी फार्मर के पास, कोटिंग द प्रोटेक्टिव स्किन विद वैक्स एक्सटेंड द स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट एम्बियंट टेम्परेचर। अगर अपने उसके ऊपर वैक्स कर देते हैं मतलब ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है रेफ्रिजरेटेड वाली और एक अपने पास नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल पे अपने उसको स्टोर करना है तो वैक्सिंग कर दी जाए तो उसकी जो स्किन की ये स्टोरेज लाइफ को फ्रेश फ्रूट की स्टोरेज लाइफ को बढ़ा देती है। अब रेफ्रिजरेटेड में रखा फल तो काफ़ी लंबे टाइम तक बिना वैक्स के भी पड़ा रहेगा, ठीक है, ठंडे तापमान में तो, पर अगर एक नॉर्मल तापमान पे रखना है तो उसकी अगर वैक्स करके रखते हैं तो उसकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो भी लंबे टाइम तक स्टोर वैसा ही पड़ा रहेगा अगर वैक्स की हुई है तो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर भी, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्स इमल्शन। वैक्स डब्ल्यू डज नॉट एड शाइन टू फ्रूट एंड वेजिटेबल वाइल वैक्स ओ गिव शाइन टू। दो प्रकार के वैक्स इमल्शंस होते हैं मतलब बहुत से प्रकार की वैक्स मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था मेरे अभी याद एक ही है पैराफिन वैक्स, ठीक है, तो उसको भी यूज़ किया जाता है। इसमें भी वैसे दो टाइप की वैक्स होती हैं, एक तो वैक्स डब्ल्यू और एक वैक्स ओ, ठीक है। वैक्स डब्ल्यू जो होती है वो फल के ऊपर शाइन ऐड नहीं करती मतलब वो चमकीला दिखाई नहीं देगा, अगर वैक्स तो की हुई होगी पर वो शाइन नहीं देगा। और जो ओ होती है वैक्स ओ वो शाइन भी देती है साथ में उस अगर उसके इमल्शन का यूज़ किया गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से किन्नू के अंदर इमल्शन वैक्स ऊपर छिड़काव किया जाता है और उसके बाद उनको रोल करते हुए अलग अलग रोलर्स के ऊपर से निकलते हैं और ये जम जाती है ऊपर बिल्कुल चमकीले होते जाते हैं फल। और आपको सेब के अंदर भी कुछ इस प्रकार से आप खुर्च के देखना आपको वैक्स देखने को मिलेगी जो अच्छी क्वालिटी वाले सेब आते हैं उनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा द यूज़ ऑफ वैक्स इमल्शन फॉर फ्रेशली हार्वेस्टेड हेल्दी प्रोडक्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सेसिव मॉइस्चर लॉस हाई रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन हीट बिल्डअप और थर्मल डिकम्पोजिशन। जो वैक्स इमल्शन फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर डालते हैं वो एक्सेसिव मॉइस्चर लॉस से भी प्रोटेक्ट करते हैं, हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर ज़्यादा श्वसनदार है उससे भी बचाते हैं, हीट बिल्डअप से भी मतलब उसके अंदर गर्मी पैदा होती है उससे भी रोकते हैं, और थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ज़्यादा तापमान के कारण जो अपघटन होता है उससे भी बचाते हैं।
The texture and quality of fresh produce are maintained as close to fresh condition as possible for a long as possible. जो texture होता है फल और सब्जी का अंदर मतलब ठीक है, और जो quality होती है फल की वो जैसी ताज़ा फल की थी वैसी की वैसी मेंटेन की जाती है, लगभग वैसी मेंटेन की जाती है, और जितना हो सके उतने लंबे टाइम तक इससे पॉसिबल जितनी भी पॉसिबल हो उतने लंबे टाइम तक उसको बना के रखा जाता है वैक्स के थ्रू. वैक्स इमल्शन विदाउट फंजिसाइडल डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम स्पॉयलर्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वैक्स जो इमल्शंस होते हैं वो उसमें कोई वैसे तो फंजिसाइड की तरह वो यूज सॉरी ये कह लो कि एक तरीके से वो फंगस के अटैक से प्रोटेक्ट नहीं करते अगर उसमें कोई फंजिसाइड नहीं डाला हुआ, ठीक है. देयरफॉर सुटेबल फंजिसाइड इज एडेड टू द वैक्स इमल्शन टू प्रिवेंट द स्पॉयलर्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसीलिए उसमें फंजिसाइड्स भी ऐड किए जाते हैं कि जो फल और सब्जियों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए, उनसे बचाने के लिए कुछ फंजिसाइड भी कई बार उसमें ऐड कर देते हैं इमल्शन के अंदर ही कि वो उसके ऊपर चिपके रहें और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक करे तो उससे वो बच जाए. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोल ऑफ राइपनिंग प्रोसेस. कंट्रोल ऑफ राइपनिंग प्रोसेस मतलब राइपनिंग की प्रोसेस को कंट्रोल करना. अपना मन कर रहा है कि अब अपने को बेचने हैं सेल करने हैं तो उस प्रोसेस को राइपनिंग की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं जिससे कि फल जल्दी तैयार हो जाएं, पक जाएं, एक्सेप्टेबल क्वालिटी में बन जाएं, ठीक है, खाने लायक हो जाएं. अगर अपने चाहते हैं कि अभी इसको काफ़ी लंबी दूरी तक अपने लेके जाना है या अभी लंबे टाइम तक इसको स्टोर करके रखने हैं तो उस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं राइपनिंग की, ठीक है. तो राइपनिंग कन्वर्ट्स ए फिजिकली मैच्योर बट इन एडिबल प्लांट पार्ट इन टू एन अट्रैक्टिव टेस्ट एंड स्मेल सेंसेशन. जो ये कह लो कि राइपनिंग कन्वर्ट, मैंने पहले भी राइपनिंग की प्रोसेस तुम्हें एक डेफिनेशन बताई हुई थी, सेम है वही कि राइपनिंग क्या होती है, जो फिजिकली मैच्योर फ्रूट्स मतलब एक तरीके से पूरी तरह से परिपक्व फल, फिजिकली परिपक्व है, खाने लायक नहीं है, ठीक है, उसने पूरा ले लिया मैच्योर मतलब कहने का मतलब, ठीक है, मैच्योर हो चुका है पर वो खाने लायक नहीं, ऐसे प्लांट पार्ट को पौधे के भाग को कन्वर्ट कर देती है अट्रैक्टिव टेस्ट के अंदर, अच्छे स्वाद के अंदर कह लो, ठीक है, और साथ में एक सुगंध संवेदन के अंदर बदल देती है, सुगंध अच्छी खुशबू आने लग जाती है कहने का मतलब उसमें से, उसके अंदर राइपनिंग प्रोसेस है वो उसको कन्वर्ट कर देती है मैच्योर को. इट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ द ग्रोथ एंड द ऑनसेट ऑफ सेनेसेंस. जो ये राइपनिंग है ये मार्क होती है कि आपकी जो ग्रोथ की वृद्धि की अवस्था है वो खत्म हो चुकी है, इसके बाद फल और ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा, उसमें ना तो कोई कार्बनिक एसिड या कोई भी शुगर ऐसे इसका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा इसके बाद, और उसके बाद सेनेसेंस आएगा मतलब उसके बाद उसकी जीर्ण अवस्था आएगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा जहाँ उसकी वृद्ध अवस्था की शुरुआत का मार्क्स होता है. ये कहने का मतलब है कि मार्क होता है कि वो इसके बाद उसकी वृद्धि खत्म हो गई है और उसका एंड जहाँ उसकी जो आयु है वो समाप्त हो चुकी है उसके बाद, ठीक है, जहाँ बुढ़ापा शुरू होने का सिंबल कह सकते हो आप सेनेसेंस से. विद द लाइफ ऑफ फ्रूट एंड इज जनरली एंड इनवर्सिबल इवेंट. और जनरली ये एक इनवर्सिबल मतलब अपरिवर्तनीय घटना होती है, ऐसा नहीं कि आप जो एक बार राइप हो गया उसके बाद वो मैच्योर होगा, इसके बाद जो प्रोसेस या इसके बाद जो स्टेप आएगा वो सेनेसेंस आएगा, फल और सब्जी ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है. मैंने आपको ग्रोथ उसके अंदर तीन स्टेप बताए थे राइपनिंग के सॉरी मैच्योरिटी के अंदर बताए थे शायद, जिसमें एक तो बताया था मैच्योर, उसके बाद राइपनिंग आती है, राइपनिंग के बाद सेनेसेंस आता है. सेनेसेंस का मतलब है इसके बाद वो उसका लास्ट स्टेप होता है जब वो खाने लायक नहीं रहता. मैच्योर होता है जब खाने लायक नहीं होता पर वो पूरा आकार ले चुका होता है. राइपनिंग होती है जब फल पूरी तरह से पक चुका होता है और खाने लायक होता है, उसमें स्वाद होता है, ठीक है. मैच्योर, राइपनिंग और सेनेसेंस, ठीक है, तीन स्टेप. एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इथाइलिन फॉर राइपनिंग शुड बी यूज्ड इन द राइपनिंग रूम एट रेगुलर इंटरवल. एक एडिक्वेट एक पर्याप्त मात्रा में इथाइलिन जो रूम स्टोरेज रूम होता है उसके अंदर प्रवाहित की जाती है. कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबव 1% डिले राइपनिंग. अगर कंसंट्रेशन 1% से ज़्यादा रखी जाती है उस चैम्बर के अंदर
जो भी आप स्टोरेज के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि राइपनिंग डिले हो जाती है, स्लो हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था डीग्रीनिंग के अंदर अपने उसके अंदर कम रखते हैं, जिससे राइपनिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है, उसका कलर अच्छा डेवलप हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा रहेगा तो फल और सब्जियां हैं वो जल्दी नहीं पकेंगी, ठीक है। बाय यूज ऑफ इथेफोन कमर्शियल नोन एज इथेरल मेकिंग इट एल्केलाइन यूजिंग कास्टिक सोडा 3 ग्राम ऑफ सोडा फॉर 20 ml ऑफ इथेफोन। जहाँ फिर जो इसको राइपनिंग प्रोसेस है, इसको एक इथेफोन यानी कि एक थाईलैंड का एक कारक है उससे, जिसको आप इथेरल मार्केट में जो कमर्शियली नोन किया जाता है वो इथेरल के नाम से आता है, ठीक है। तो इथेरल को यूज़ किया जाता है, इसको क्षारीय बना लिया जाता है कास्टिक सोडा डालकर, 3 ग्राम सोडा 20 ml इथेफोन के अंदर मिला लिया जाता है जिससे ये क्षारीय हो जाता है। इसका यूज़ करते हैं पकाने के लिए, या फिर कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का एक मैं और यूज़ बता दूँ, कैल्शियम कार्बाइड आपको जो गैस वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग आपने नाम सुना हुआ होगा, ठीक है, उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बाइड यूज़ होता है। ये पकाने वाला हार्मोन है वैसे, ठीक है, पकाने वाला एक केमिकल है और कुछ देशों में वैसे ये बैन भी है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड 100 ग्राम फॉर 100 kg ऑफ फ्रूट्स, कैल्शियम कार्बाइड 100 ग्राम 100 किलो फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर राइपनिंग, मतलब इसका भी यूज़ किया जाता है, जहाँ तो इथेफोन का यूज़ करते हैं या फिर कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। द राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी रिटार्डेड बाय प्रॉपर पैकेजिंग, लो टेम्परेचर, इथाइलिन ऑब्जर्वर्स, वैक्सिंग, ग्रोथ रिटार्डेंट एंड यूजिंग फंजीसाइड्स टू कंट्रोल स्पॉयलेज। जो राइपनिंग है, ये तो राइपनिंग को एनहांस करने वाले थे अभी तक अपने पढ़े, कैल्शियम कार्बाइड है, इथेफोन है, ठीक है। और अगर अपने उसकी जो राइपनिंग प्रोसेस है उसको स्लो करना है, कंट्रोल करने से मतलब बढ़ाना भी हो सकता है, कम भी करना हो सकता है, तो अगर स्लो करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग होनी चाहिए, उसकी अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, लो तापमान पे या कम तापमान पे उसको भंडारित करना चाहिए। कम तापमान में रखो तो लंबे टाइम तक उसकी प्रोसेसिंग जो राइपनिंग है वो स्लो हो जाएगी। इसके अलावा इथाइलिन ऑब्जर्वर्स का यूज़ करते हैं, इथाइलिन ऑब्जर्वर मतलब जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर इथाइलिन ऑब्जर्वर डाल दिए जाते हैं एक पैकेट के रूप में, जो इथाइलिन गैस बनती है पकते टाइम खुद की अपने आप नेचुरली, उसको भी वो एब्जॉर्व करते रहते हैं, ठीक है। एक तरीके के जैसे सिलिका जेल की आपको कई बार पुड़िया देखने को मिल जाएगी, कोई भी इक्विपमेंट लेके आते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे पाउच से निकलते हैं, वो सिलिका जेल ज़्यादा मॉइस्चर को नमी को ख़त्म करने के लिए होता है, जिससे कि उसके अंदर गंदी सी जो खुशबू या कह लो जो गंदी सी स्मेल आती है उससे बचाव हो जाए, वो डाले जाते हैं सिलिका जेल। तो इथाइलिन ऑब्जर्वर वैसे ही पुड़िया ऐसी होती हैं और उनको डाला जाता है इथाइलिन गैस को खींचने के लिए, ऑब्जॉर्व करने के लिए कि जो पकने में देरी हो, पके ना जल्दी। इसके अलावा वैक्सिंग करते हैं, वैक्सिंग भी राइपनिंग प्रोसेस को डिले करती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेंट भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे CCC है, जैसे साइकोसेल LR है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर जैसे GA3 जिब्रेलिक एसिड भी यूज़ होता है। और इसके अलावा यूजिंग फंजीसाइड्स टू कंट्रोल स्पॉयलेज, और इसके अलावा फंजीसाइड्स का यूज़ भी किया जाता है, जो स्पॉयलेज होता है, गलना होता है, सड़ते हैं जो फल और सब्जी, उनको रोकने के लिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रूटॉक्स फंजीसाइड्स वैक्सोल, ठीक है, एंड टॉल प्रोलोंग 1.0 to 1.5% फॉर डिले राइपनिंग इन मैंगो। फ्रूटॉक्स का और टॉल प्रोलोंग दोनों के दोनों अगर यूज किए जाते हैं मैंगो के अंदर तो मैंगो की राइपनिंग स्लो हो जाती है, डिले हो जाती है। द यूज़ ऑफ साइकोसेल 500 mg/L, LR 500 mg/L, GA3 जहाँ पहले कि जिब्रेलिक एसिड 250 mg/L सिग्निफिकेंटली रिड्यूस राइपनिंग। साइकोसेल है, LR है, GA3 की, इन ये भी राइपनिंग को रोकने के काम करते हैं ये केमिकल, ठीक है। इनकी कुछ जो मात्रा है वो राइपनिंग प्रोसेस को स्लो करती है। एप्लीकेशन ऑफ पुरफिल PURFIL, ठीक है, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ऑन सिलिकेट कैरियर के ऊपर यूज़ करते हैं, तो ये भी इफेक्टिव इन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ इथाइलिन इन बनानास कीप्ड इन सील्ड पॉलीथीन बैग्स।
अगर केले के जो बैग होते हैं उनके अंदर पुरफिल के पाउच रख दिए जाते हैं, जहाँ इसको केमिकल को रख दिया जाता है, तो ये भी एक तरीके से जो एथाइलीन गैस पैदा होती है उस पाउच के अंदर उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिससे कि केला जल्दी नहीं पकता। ठीक है, केले के अंदर जल्दी पकाव नहीं आता। केले को पॉलीथीन की थैलियों में बंद करके उसके अंदर ये पुरफिल जो है इसको डाल देते हैं। ठीक है, जो कि एक जो भी एथाइलीन गैस पैदा होती है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, उसको सोखता रहता है और फलों को पकने नहीं देता। इसके अलावा प्री पैकेजिंग इन प्लास्टिक फिल्म्स द एक्सटेंड शेल्फ लाइफ बाय क्रिएटिंग ए मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर विद इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन इन द पैकेज। जो शेल्फ लाइफ है फल और सब्जियों की, उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है उस पैकेजिंग के अंदर। ठीक है, जो भी आप प्री पैकेजिंग करते हो फल और सब्जी की, मतलब पहले उसको जो भी आप किसी भी तरीके से उसको पैक करते हो फील्ड लेवल पे, तो वो एक मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैदा करती है फल और सब्जी के लिए, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है, कंसंट्रेशन होती है, वो ज़्यादा रहती है, बंद हो रहती है। ज़्यादा रहने के कारण वो जल्दी पकते नहीं है। ठीक है, द पैकेजिंग मटेरियल शुड गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। फॉर दिस सुटेबल ब्रीथिंग फिल्म सच एज पोलिस्ट्रीन और सेलुलोज एसिटेट्स आर यूज। इसके लिए जो मटेरियल है जिसने आप थैलियाँ जहाँ पाउच तैयार करोगे, पैकेजिंग मटेरियल पैकेजिंग तैयार करोगे, उसके लिए पोलिस्ट्रीन या फिर सेलुलोज एसिटेट अच्छा रहता है। इसके अलावा हाई बट रिच्ड LDPE फिल्म्स दैट हैव हायर O2 एंड CO2 ट्रांसमिशन रेट्स आर मोर ड्यूरेबल। इसके अलावा लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन फिल्म्स जो आती हैं उनको भी यूज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं और जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसमिशन होता है, आदान प्रदान होता है, वो भी अच्छा होता है, इसके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा दिस पाउच शुड हैव पोर्स दैट अलाउ द O2 एंड CO2 टू सर्कुलेट रैपिडली फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। जो ये भी पाउच होते हैं आपके, जो भी आपने उसमें पैकिंग करके उसके पाउच बना दिए हैं, ठीक है, उनके अंदर पोर्स होने चाहिए, उसमें छेद होने चाहिए, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सर्कुलेट हों और जिससे कि वो रेस्पिरेशन कर सके। फ्रेश फ्रूट्स हैं, जो फ्रेश सब्जियां हैं, प्रोड्यूस है आपका, वो रेस्पिरेशन कर सकें। यूज पाउच रिड्यूस ब्रशिंग, फैसिलेट इंस्पेक्शन, रिड्यूस मॉइस्चर लॉस, वेट लॉस जिसको कह सकते हैं, एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। जो आपके पाउच हैं, जब आप जिसने कोई मटेरियल को यूज़ किया है, वो एक तो ब्रूसिंग को रिड्यूस करे, कम करे। ब्रूसिंग मतलब उसमें घाव जो लगते हैं एक दूसरे के साथ घिसने के कारण, उनसे बचाव करे। इंस्पेक्शन में सुविधा दे, इंस्पेक्शन मतलब उसके अंदर जो आपने जो फल और सब्जियां रखी हुई हैं वो दिखाई दे, कहने का मतलब ट्रांसपेरेंट एक तरीके से दिखने वाला हो। इसके अलावा जो मॉइस्चर लॉस है, नमी की कमी है, उसको रोके, जिससे कि वजन भी कम हो जाता है। अगर मॉइस्चर लॉस हो रहा है, नमी कमी हो रही है, ठीक है, तो वेट लॉस भी हो जाता है, उससे उसे रोक के कम करे। इसके अलावा प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन सूखने से बचाए। इट आल्सो क्रिएट्स मॉडिफाइड एनवायरनमेंट्स। इसके अलावा वो एक कह लो कि मॉडिफाइड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे उस कॉमोडिटी के चारों तरफ। जैसे जितना भी अपने चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा रहे, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम रहे, ठीक है, एक तरीके से मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैदा कर दे। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है प्लेटाइजेशन। प्लेटाइजेशन का एक सिंपल से मैं पहले बता देता हूँ। तुमने कभी कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर देखा होगा, जो उसका माल होता है, उनका जो उत्पाद होते हैं, उनको कैरी करने के लिए एक मशीन यूज़ हो रही होती है, नीचे उसके एक पंजा सा लगा हुआ होता है, तो वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर उठा उठा के रख रही होती है, ठीक है, वो ही उन चीज़ों को लोड कर रही होती है। वो जो बॉक्स होते हैं, वो बॉक्स प्लेटाइजेशन होते हैं, प्लेटाइजेशन कह लो, उनको प्लेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि उससे सुविधा रहती है आप लोड करने के अंदर, अनलोड करने के अंदर कमोडिटी को कम से कम नुकसान पहुंचता है। उनकी एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती हैं, आकार साइज उसका एक फिक्स होता है, ठीक है, जिससे मशीन उसको आराम से लोड भी कर सकती है और अनलोड भी कर सकती है। तो अब अपने पढ़ते होता क्या है। प्लेट्स आर वाइडली यूज टू ट्रांसपोर्ट पैकेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज। प्लेट्स यूज किए जाते हैं जनरली
ट्रांसपोर्ट के अंदर परिवहन के लिए जो पैकेज के फ्रूट और सब्जियों के पैकेट होते हैं उनको परिवहन करने के लिए विकसित देशों के अंदर। लोडिंग एंड अनलोडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बट आर ऑफ्टन निगलेक्टेड। फलों और सब्जियों को लोड करना किसी ट्रक के अंदर, उनको लोड करना और फिर उनको उतारना, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग का, ठीक है। और ज़्यादातर जगहों पे इसको नेगलेक्ट किया जाता है, इसको अनदेखा किया जाता है। इंडिया के अंदर भी बहुत सा ऐसा ही होता है, ठीक है। लोडिंग एंड अनलोडिंग इन इंडिया आर डन मैनुअली। इंडिया के अंदर जो लोडिंग है अनलोडिंग है वो जनरली मैनुअली की जाती है, लोग ही करते हैं, मतलब मैन पावर से यूज़ किया जाता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अपने पास जो है रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते, दूसरा अपने उसमें प्लेटाइजेशन का यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि अपने तो कट्टों में भरते हैं सब्जियों को और उनको लोड कर रहे होते हैं, वैसे के वैसे उसको पटक रहे होते हैं। एक ट्रक है, ट्रक के अंदर पूरे के पूरे कट्टों से दब दिया, अब नीचे वाले जो मैं आपके कट्टे थे भरे हुए सब्जियों के, वो तो दबाव के कारण अपने आप ही ख़त्म हो चुके होंगे जब तक वो किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह पे, नीचे वाले तो काम के गए ख़त्म। यही तो पोस्ट हार्वेस्ट का लॉस, जो आपको लॉस है इसको तो अपने रोकते हैं प्लेटाइजेशन से, ठीक है। तो ड्यू टू लो यूनिट लोड देयर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ द पैकेज टू बी थ्रो ड्रॉप्ड एंड मिस हैंडल्ड कॉजिंग डैमेज टू द आइटम। इसी कारण जो लो यूनिट लोड होने के कारण, मतलब अपने बहुत ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि अपने बहुत कमर्शियल स्केल पे करते हैं, जो किसान है अब उसके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है उसमें वो थोड़ा सा उत्पाद होता है, तो वो प्लेटाइजेशन यूज़ नहीं कर सकता, इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, पैकेट बनाता है उसके और उनको फेंकता है या फिर उनको गिरा देता है या फिर अच्छे तरीके से उसको हैंडल नहीं करता, जिसके कारण जो भी आइटम होती है फल है सब्जियाँ हैं उसके ऊपर ब्रशिंग डैमेज हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, ठीक है, घायल हो जाते हैं, जिसके कारण बाद में वो ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद दिस लॉस कैन बी रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाई यूजिंग ए पैलेट सिस्टम। इस लॉस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है पैलेट सिस्टम अगर यूज़ किया जाता है तो। हाउएवर दिस रिक्वायर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बॉक्स डायमेंशन। इसके लिए आपको बॉक्स का जो डायमेंशन है उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना होगा, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक साइज़ के बिल्कुल बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर ईच ऑब्जेक्ट दिस वर्क मस्ट बी डन। आपको प्रत्येक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब अब ये इतने इतने बड़े बॉक्स हैं, इनके अंदर भी बहुत से छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए होंगे, तो उनके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा और किस प्रकार से उनको अंदर उसके रखना है, एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो भी उनके ऊपर वेट आएगा, तो उनको भी किस प्रकार से, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पे भी आपको काम करना पड़ेगा अगर प्लेटाइजेशन यूज़ करना है तो। वंस दिस इज कम्प्लीस्ट, एक बार आपने ऐसा कर लिया, आपने ये तरीका बना लिया सारा, मैकेनाइजेशन लोडिंग एंड अनलोडिंग बिकम मच ईजियर विद ए फोर्ट लिफ्ट सिस्टम। अगर आपने ये काम एक बार कर लिया तो मैकेनिकल जो लोडिंग है मशीन के, जो कि एक फोर्ट लिफ्ट, जो आपने, मैं मशीन का नाम ले रहा था ना कि वो नीचे से डालती हुई उठाती है और दूसरी जगह पे लोड कर देती है, वो मशीन जिसको फोर्क लिफ्ट सिस्टम कहते हैं, उसके थ्रू आप आराम से आपकी लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हो, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ हैंडलिंग पैकेज ऑन पैलेट्स आर, एडवांटेज क्या होती हैं अगर आप पैलेट्स यूज करते हो तो, द लेबर कॉस्ट इन द वर्क इज ग्रेटर रिड्यूस्ड। लेबर वर्क काम ख़त्म हो जाएगी आपको, कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको लेबर की कम से कम आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको बस एक ड्राइवर की ज़रूरत होगी, वो सीधी प्लेट्स फॉर्क लिफ्ट से एक जगह से दूसरी जगह पे डाल देगा, अलग से कट्टे उठा उठा के डालने की ज़रूरत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिड्यूस्ड, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि पैलेट सिस्टम में क्या होता है कि आप उसको बहुत ऊँचे ऊँचे ढेर लगा सकते हो और नीचे जो कमोडिटी है उसको भी नुकसान नहीं होगा उसका भी प्लेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। गुड्स आर प्रोटेक्टेड एंड डैमेज इज मिनिमाइज्ड, जो आपकी गुड्स हैं आपका जो सामान है उसको प्रोटेक्शन होगा, वो कम से कम डैमेज्ड होगा। मैकेनाइजेशन हैंडलिंग इज मच फास्टर, जो मैकेनिकल जहाँ मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग हैंडलिंग होती है मशीनों से, वो बहुत ज़्यादा तेज होती है अगर अपने प्लेट सिस्टम यूज करते हैं तो। ड्यू टू हायर स्टेकिंग स्टोरेज स्पेस कैन बी यूज मोर एफिशेंटली। हायर स्टेकिंग मतलब अपने ज़्यादा ऊंचा ढेर लगा सकती हैं, जिससे आप उस जो भी आपका स्टोरेज स्पेस है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो,
अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब कि आप ऊंचे ऊंचे ढेर लगाते जाओगे, प्लेट सिस्टम में क्या होता है कि आप उसके ऊपर भी एक डिब्बा एक्स्ट्रा रख सकते हो, मतलब ऊंचे ऊंचे ढेर लगा सकते हो, जबकि ऐसा नहीं करते, कट्टे लगाते हैं तो आप ज़्यादा ऊंचे ढेर नहीं लगा सकते, नीचे वाली कम्युनिटी दब जाती है। ठीक है, पैलेट्स इनक्रेज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड पैकेज साइज। पैलेट्स ये चीज़ को इनक्रेज करती है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है बॉक्स का उसको भी इनक्रेज करती है कि भाई आपके जो बॉक्स है उनका स्टैंडर्ड साइज मानक साइज होगा एक। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन समझ गए होगा, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट द डिस्टेंस टू रीच द डेस्टिनेशन एज वेल एज द पेरिशेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी शुड बी कंसिडर्ड। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट का मोड, यानी कि आप रेल से कर रहे हो, प्लेन से कर रहे हो, शिप से कर रहे हो, या ब्लॉक कार्ट से कर रहे हो, मतलब बैलगाड़ी से कर रहे हो, वो मोड आप तब उस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि आपका डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पे आपको उस कमोडिटी को भेजना है। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है। दूसरा, वो कितनी पेरिशेबल है, मतलब वो कितनी जल्दी ख़राब होने वाली है, इसके ऊपर वो मोड होता है जो ट्रांसपोर्ट का, वो डिपेंड करता है कि क्या यूज करोगे आप। हाईली पेरिशेबल गुड्स मस्ट हैव ए मच लोअर टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। हायर पेरिशेबल मतलब बहुत जल्दी ख़राब होने वालियों के लिए कम तापमान ट्रांसपोर्ट के दौरान रखना पड़ता है, उनको कम तापमान पे रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट में भी कम तापमान रखते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, या फिर मशरूम के अंदर बहुत कम तापमान के अंदर ही उसको रेफ्रिजरेटेड वैन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। फास्टर ट्रांसपोर्ट शुड बी प्रेफर्ड फॉर पेरिशेबल गुड्स देन रेल ट्रांसपोर्ट। फास्टर ट्रांसपोर्ट प्रेफर किया जाता है जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो ख़राब होने वाली होती हैं, रेल ट्रांसपोर्ट की तुलना में। रेल थोड़ा स्लो होता है, इससे प्लेन है या फिर कोई और ज़्यादा जो फास्ट है उसका यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट इज़ फॉलोड बाय ब्लॉक कार्ट और ट्रैक्टर ट्रॉली। द फार्म यूज कार्ट्स, ट्रेलर्स एंड ट्रक्स मस्ट हैव गुड सस्पेंशन एंड लो एयर प्रेशर इन टायर्स टू अवॉइड द एक्सेसिव शॉक ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जो लोकल लोकल मार्केट के अंदर जहाँ लोकल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है, वो ज़्यादातर जो बैलगाड़ी है, जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली है, या फिर फार्म के अंदर जो कार्ट्स कोई गाड़ी यूज़ हो रही है उससे, या फिर जो बड़े बड़े डंपर ट्रॉले होते हैं उनसे, या फिर जो ट्रक्स होते हैं उनके द्वारा ज़्यादातर ये परिवहन किया जाता है। उनके अंदर भी अच्छा सस्पेंशन होना चाहिए उनका, ठीक है, मतलब उनमें आपको झटके ना लगे, कहने का मतलब फल और सब्जी को अच्छा सस्पेंशन हो, और हवा का जो प्रेशर होता है टायरों के अंदर वो कम रखा जाता है कि कम से कम फल और सब्जी को झटके लगे। इसके अलावा दे शुड बी ड्राइवन स्लोली, और उनको धीरे धीरे चलाया जाता है। लेइंग स्ट्रॉ और लीव्स इन द ट्रेलर कैन आल्सो हेल्प प्रिवेंट डैमेज, मतलब नीचे पुआल बिछा देना, पत्तियां बिछा देना ट्रेलर जो ट्राली है उसके नीचे, फिर उसके ऊपर सब्जियों को रखना, जिससे कि आपका जो नुकसान है वो कम से कम हो, प्रिवेंट होता है, मतलब ये कह लो कि जो भी आपके झटके लगेंगे वो एक कुशनिंग मटेरियल की तरह काम करेंगी, नीचे पत्तियां बिछी हुई, ठीक है, फल और सब्जियों को कम से कम चोट लगेगी। नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज। स्टोरेज सारे समझते हो कि अपने को कमोडिटी उसके बाद स्टोरेज तक भी पहुंचानी है ट्रांसपोर्ट के बाद। द मार्केटेबल लाइफ ऑफ मोस्ट फ्रेश वेजिटेबल कैन बी एक्सटेंडेड बाय क्विक स्टोरेज इन एन एनवायरमेंट दैट मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। जो मार्केट लाइफ होती है फल और सब्जी की, मोस्ट फ्रेश वेजिटेबल्स की, वो ज़्यादातर क्विक स्टोरेज के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ये कह लो एक तरीके से, ठीक है। जो मार्केटेबल लाइफ होती है फ्रेश वेजिटेबल की, उसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है क्विक स्टोरेज के अंदर, जहाँ पे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। स्टोरेज मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। जो स्टोरेज मेथड होते हैं उनको दो कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो कन्वेंशनल मेथड, जिसको आप परंपरागत मेथड भी कह सकते हो, एक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि लो कॉस्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होती हैं,
जैसे इनको इन सिटू भी कह देते हैं, जैसे क्लैंप्स है, विंड ब्रेक्स है, सेलर स्टोरेज है, बारंस है, नाइट वेंटिलेशन है, सैंड एंड कोयर, नाइट टेम्परेचर कूल, इसके अलावा नेचुरल आइसिंग एंड वेल वाटर कूलिंग डू, ये एक कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, तो इनके बारे में अपने एक एक बारे में आगे स्टोरेज के अंदर कवर करेंगे कि क्लैंप्स क्या होते हैं, सेलर क्या होते हैं, बारंस क्या होते हैं, नाइट वेंटिलेशन क्या होता है, ये अपने आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये याद रखना कि इनको यूज किया जा सकता है मार्केटेबल लाइफ को बढ़ाने के लिए, ऐसे स्टोरेज को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एडवांस मेथड हैं जो स्टोरेज के, जिसको आप कोल्ड स्टोरेज कह सकते हो, लो टेम्परेचर स्टोरेज होते हैं, जैसे हाइपोबेरिक स्टोरेज है, एवोपरेटिव कूलिंग है, कंट्रोल्ड एटमोस्फेरिक स्टोरेज है और मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक स्टोरेज है। ठीक है, इनके बारे में अपने आगे बात करेंगे कि ये होते क्या है, अगले वाला जो लेक्चर है अपना स्टोरेज वाला उसमें अपने इनको कवर करेंगे, इनको यूज करके आप उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा है लास्ट इरेडिएशन। इरेडिएशन होता है विकिरणन, जैसे किसी गामा रे से या एक्स रे से उनको ट्रीट कर देते हैं, इस चीज प्रोसेस को इरेडिएशन कहते हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन टू सप्रेस जर्मिनेशन एंड हैंस टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ हैज़ बीन परमिटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर मतलब जो विकिरणें होती हैं उनसे ट्रीट करना परमिटेड है, जिससे कि उनके जर्मिनेशन को सप्रेस किया जा सके। उनका जो जैसे कई मैंने बता रहा था कि पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर CIPC का यूज करते हैं। ठीक है, इसे मैलिक हाइड्राजाइड का भी यूज़ किया जाता है। जर्मिनेशन जो भंडारण के अंदर वो फूटने लग जाते हैं ना, उगना स्टार्ट हो जाते हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए रेडिएशन का भी यूज़ किया जाता है, ये इंडिया के अंदर परमिटेड है। ऑनियन स्प्राउटिंग कैन बी इनहिबिटेड बाय गामा रेडिएशन इन द अमाउंट ऑफ 0.06 to 0.1 किलोग्रेज। याद रखना किलोग्रेज के अंदर इसकी यूनिट होती है रेडिएशन की। ठीक है, तो इतनी रेडिएशन की अगर गामा रेज डाली जाती है तो ऑनियन की स्प्राउटिंग को इनहिबिट किया जा सकता है। गामा रेडिएशन 0.1 किलोग्रेज इन पोटैटोज कैन कम्प्लीटली इनहिबिट स्प्राउटिंग, और 0.1 जो किलोग्रेज रेडिएशंस हैं गामा की, आलू के अंदर पूरी तरीके से जो जर्मिनेशन होता है उसको रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। इरेडिएटेड पोटैटोज कैन बी सक्सेसफुली स्टोर्ड फॉर 6 months एट 15 degrees Celsius विद ए लॉस ऑफ 10%। इरेडिकेटेड जो भी होते हैं, जिनके अंदर इन किरणों का यूज किया हुआ होता है, ऐसे आलुओं को 6 महीने तक 15 degrees Celsius तापमान पर 10% नुकसान के साथ भंडारित करके रखा जा सकता है। मतलब उनमें से 10% तो फिर भी खराब होंगे, वो जर्मिनेशन के कारण भी हो सकते हैं और कुछ हो सकता है कि डिके के कारण वो स्पॉयलेज हो जाए। इन बनानास, गुआवास, मैंगोज एंड पपाया, इरेडिएशन इम्प्रूव शेल्फ लाइफ बाई डिलेइंग द रेट ऑफ राइपनिंग एंड सेनेसेंस। केले के अंदर, अमरूद के अंदर, आम के अंदर और पपीते के अंदर रेडिएशन जो है, ये किरणों का जो प्रभाव है वो उसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है और उनकी राइपनिंग जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है और सेनेसेंस को भी ये स्लो कर देता है। मतलब ये प्रोसेस स्लो हो जाती है, जल्दी नहीं आती। थैंक यू।